बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं मोहम्मद फाइक। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। पुलिस फोर्स की फलाह बहबूद में कमी कोताही, अब नहीं। आईजी पंजाब का दिलों पर राज, पुलिस मुलाजमीन को तिबी अखराजात के लिए लाखों रुपए जारी। वन व्हीलर्स सुधर जाएं वरना कैद मुकद्दर, वन व्हीलर्स पर वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स की कड़ी नजर। कम उम्री का बहाना अब नहीं चलेगा, कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ पंजाब पुलिस और सेफ सिटीज अथॉरिटी का बड़ा क्रैकडाउन। गुज़िश्ता 24 घंटों में पुकार 15 इमरजेंसी सेंटर में 59,062 कॉल्स मौसूल हुई, 5,594 कॉल्स पर रिस्पॉन्ड करते हुए मदद के लिए पुलिस भिजवाई गई, जबकि 42,472 कॉल्स गैर जरूरी करार। गुज़िश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 4,974 ई चालान जारी। सेफ सिटीज में कायम व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की बदौलत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब छीनी और चोरी शुदा 140 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट किया गया, जबकि शहर भर की कैमरों से मॉनिटरिंग से 959 मकामात की निशानदही करते हुए ऑब्जर्वेशन दी गई। हेडलाइंस आपने जानी, अब शामिल करते हैं मजीद खबरें। लाहौर में मोटरसाइकिल वन व्हीलर सेफ सिटी के रिडार पर, वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स ने 8 वन व्हीलिंग करने वाले नौजवान गिरफ्तार करवा दिए। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स ने कैमरों के जरिए वन व्हीलिंग की खसूसी मॉनिटरिंग की और सेफ सिटी कैमरों में नजर आने वाले वन व्हीलर्स की फील्ड फोर्स को निशानदेही की। फील्ड फोर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए व्हीलर्स को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली। शहरी वन व्हीलिंग की शिकायत फौरी 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन पर करें। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स की खैर नहीं। जिले भर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के हवाले से देखिए खसूसी रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब पुलिस और सेफ सिटीज अथॉरिटी का कम उम्र ड्राइवर्स, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले अफराद और गैर कानूनी रेसर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान लाहौर समेत सूबे भर में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले 19,000 से ज्यादा कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए। रवां साल मजमुई तौर पर कम उम्र ड्राइवर्स के 81,000 से ज्यादा चालान हुए और 2,100 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए। इस दौरान 3,500 से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को थानों में बंद किया गया। पंजाब पुलिस बगैर लाइसेंस और कम उम्री में ड्राइविंग करके अपनी और दीगर शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगाने वालों के खिलाफ बिला तफरी क्रैकडाउन कर रही है। आपके जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हमें आप ही की मदद की जरूरत है। वालिदैन अपनी जिम्मेदारी निभाएं और कम उम्र बच्चों को हरगिज ड्राइविंग की इजाजत मत दें। थाना सदर कसूर के इलाके में पुलिस मुकाबला, दो खतरनाक डाकू जख्मी हालत में साथियों समेत गिरफ्तार कर लिए गए। डाकू जिला कसूर में डकैती और रहजनी की 26 से ज्यादा वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। डाकुओं के मुतालिक इतला मिलने पर नवाही गांव नथुकी में रेड किया गया। एक हवेली में मौजूद 6 मुलजमान ने पुलिस को देख कर मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं की अपनी फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हो गए, जिन्हें साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खबर शामिल करते हैं पुलिस फोर्स के हवाले से। पुलिस फोर्स और उनके अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम जारी। मुख्तलिफ अज़ला के मुलाजमीन को तिबी अखराजात के लिए 22 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। टेली कम्युनिकेशन लाहौर के ASI मोहम्मद अनवर को बेटे के आर्जे कल्ब के इलाज के लिए 10 लाख, रहीम व्यार खान के सब इंस्पेक्टर मुख्तार अहमद को बेटे के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख, झेलम पुलिस के रिजवान कमर को बर्न सर्जरी के लिए 5 लाख और रावलपिंडी के हेड कॉन्स्टेबल फहद महमूद को बेटे के इलाज के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में मौजूद पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर का बड़ा रिस्पांस, पुकार इमरजेंसी 15 कॉल पर फौरी कार्रवाई। 3 मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार डाकू फयाज नामी देहाती से मोटरसाइकिल और नकद रकम छीन कर फरार हो गए। 15 की तलाब पर मुकामी पुलिस ने मुलजमान का ताकुब शुरू किया। मुसल्ला डाकुओं ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 2 नामालूम डाकू फरार हो गए। वारदात के दौरान छीनी गई मोटरसाइकिल और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया है।
अब खबर शामिल करते हैं लाहौर से। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस की अहम कामयाबी, नकबजन गैंग के दो मुलजमान गिरफ्तार, कीमती अशिया बरामद कर ली गई। मुलजमान नक लगाकर घरों और दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातें करते थे। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी, दो फ्रिज और दीगर कीमती अशिया बरामद कर ली गई हैं। सफाक मुजरमों का कानून की गिरफ्त से बचना नामुमकिन, कमसिन बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने वाला दरिंदा सिफ्त गिरफ्तार। सरगोदा थाना अर्बन एरिया के इलाके टवाना पार्क से पुलिस को मासूम बच्ची से ज्यादती की तला मौसूल हुई। डीपीओ सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान के हुक्म पर फौरी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दी गई। बिलाखिर पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम काशिफ को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को तिबी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के ऑफिशियल पेजेस।